फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर प्रीति भगत। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ हिना हेयर पिक। बहुत ही आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो चुकी है, हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो ये सब आपको मैं जो आपको हेयर पिक बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। सो फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मिलाते रहूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ले रही हूँ हीना नेचुरल शाइन मेहंदी। तो आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हैं आप वो ले लेना। मैंने ये लिया है, तो हीना मेहंदी लिया है। सो यहाँ पर मैंने अपने हेयर के हिसाब से निकाल ली हूँ मेहंदी। यहाँ पर मैंने ये निकाली हूँ। अब इसका हम पानी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी रखी हूँ, 2 कप पानी रखी हूँ। इसे हम बॉईल करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे चाय पत्ती। 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। मेथी दाना डालेंगे हम 1 चम्मच। और यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर बीट रूट डालेंगे। जो बीट होता है वो डालना है। सो यहाँ पर बीट को मैंने किस के रखा है, 1 बीट लिया है मैंने। आप चाहें तो बीट रूट पाउडर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर बीट यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ इसे हम पूरा पानी में डाल देंगे और इसे हम 2 कप का 1 कप पानी बनाएंगे। इसे अच्छे से बॉईल करेंगे इसमें, ताकि पूरा बीट का रस आ जाए। इसे हम पूरा मिक्स अच्छे से कर देंगे, इसे हम बॉईल होने देंगे अच्छे से। ओके, सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, ये पूरे अच्छे तरीके से हो गया है, बॉईल हो गया है। इसे हमने बहुत ज्यादा टाइम, मैंने 10 से 15 मिनट इसे बॉईल करा है। और ये अब हम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हम मेहंदी में डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो इसे ठंडा होने देते हैं हम। ओके, सो फ्रेंड, इसे मैंने अच्छे से पानी को अच्छे से छान ली हूँ और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे ओवरनाइट रखना है और इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में करी हूँ। लोहे की कढ़ाई अगर हो तो आप लोहे की कढ़ाई में करना, अदरवाइज आप दूसरे कंटेनर में भी कर सकते हैं, बट लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो इसे में हम और पानी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इसे ओवरनाइट हम रख देंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे इसे लगाएंगे और इसमें कुछ और चीज ऐड करेंगे हम। ओके, सो फ्रेंड, ओवरनाइट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। पूरा इसमें जो लोहे की कढ़ाई है उसका पूरा आयरन हमारे मेहंदी में आ गया है। देख सकते हैं ये साइड साइड में पूरा ब्लैक हो गया है। तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पर डालेंगे भृंगराज पाउडर। तो भृंगराज पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम। यह मैं 2 स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ कॉफी। तो सो फ्रेंड, ये ऑप्शनल है क्योंकि बीट रूट ऑलरेडी डाल चुके हैं। यहाँ पर मैं कॉफी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा ब्राउन कलर चाहिए बालों का। तो मैं यहाँ पूरा 1 पैकेट डालूंगी। और इसे कर लेते हैं मिक्स हम। सो फ्रेंड, मैंने मेहंदी लगा ली थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई और 3 आवर्स के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया। पानी से वॉश किया है मैंने, शैम्पू यूज़ नहीं करी हूँ। जैसे कि हमेशा हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शैम्पू यूज़ नहीं करना है, तो मैं शैम्पू यूज़ नहीं करी हूँ। मैं नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी। मैं अभी ऑयलिंग कर लूँगी बालों में और उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी। सो आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल शाइन कर रही है। ये देख सकते हैं आप लाइट में, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आ तो रहा है।
एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये हेयर पैक। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बहुत प्यारा कलर आता है बालों का। एक बार ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में आप लोगों के लाते रहूँगी। गाइस बाय बाय।